जय हिंद। देखिए समझते हैं हम लोग, भारत 24 ठो सेकेंड हैंड जो फ्रांस रिजेक्ट कर दिया, उस रिजेक्ट मिराज 2000 को क्यों खरीद रहा है, और रेलवे का जो ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर, इसके बारे में टोटल समझते हैं। देखिए अभी जो पाकिस्तान जो है वो भी एक JF-17 थंडर है, इसको अर्जेंटीना को बेचने का प्लान किया रहा था। हुआ क्या कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो टीम मैच कराने वाली थी उसमें न्यूजीलैंड जो है वो आने से मना कर दिया, कहा कि हम सिक्योरिटी कारण से नहीं आएंगे। हालांकि पाकिस्तानियों का कहना था कि जितनी न्यूजीलैंड के पास फौज है उससे ज्यादा फौजी ये लोग न्यूजीलैंड की सुरक्षा में लगाएंगे। तो इससे यही पता चलता है कि वो कितना अशांत देश है जहां इतनी बड़ी फौज लगाना पड़ता है केवल 11 लोगों को खेलने के लिए। न्यूजीलैंड ने जैसे कैंसिल किया उसके बाद इंग्लैंड ने भी कैंसिल कर दिया। इसमें पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा घाटा लगा है। वो इसके लिए कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है वहां पर भी जाएंगे। अभी कहीं चिल्लाई से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा इसके लिए क्यों ना वो लोग इंग्लैंड को सबक सिखाए। इसलिए इंग्लैंड जो है उसका अर्जेंटीना के साथ 1982 से विवाद चल रहा है। अब पाकिस्तान ने सोचा कि इस विवाद को हम लोग और अच्छा करते हैं, मतलब वो और बढ़ावा चाहता है। तो इंग्लैंड जो है वो अर्जेंटीना से विवाद चल रहा है, तो ये लोग अर्जेंटीना को JF-17 जो थंडर है चाइना के साथ इन लोगों ने मिलकर बनाया। हालांकि ये बहुत एडवांस नहीं है, इतना ही एडवांस रहता तो चाइना के पास ये क्यों नहीं है, ये पाकिस्तान को थमा दिया है चाइना की लो इसी झुंझुना से खेलते रहो। हालांकि ये उतना एडवांस नहीं है, नया प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन लाइन में नया है, इस वजह से थोड़ा सा वर्किंग में इसका फाइननेस थोड़ा ज्यादा है। तो ये 5,000 करोड़ की डील थी, पाकिस्तानियों ने पूरा ढिंढोरा पीट दिया कि हम 12 जहाज बेचेंगे 5,000 करोड़ आएगा। तो उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ तो नेतवा इतना हर साल घोटाला करके लूट देते हैं सब। तो वो ऐसे हल्ला किया, इतना हल्ला किया कि अर्जेंटीना को आके कहना पड़ा कि हम आपसे नहीं खरीद रहे हैं JF-17। अब सोचिए किसी देश की मीडिया को कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा कि उसका देश पूरा हल्ला कर रहा है कि हम ये जहाज बेच रहे हैं और वो देश कह रहा है कि हम नहीं खरीद रहे हैं। अब ये अर्जेंटीना और इसके साथ विवाद इंग्लैंड का बहुत पुराना है, 1982 से। अब यहाँ हम अभी हाल फिलहाल में नक्शा के बैच में साउथ अमेरिका पढ़ा है, तो ये अर्जेंटीना के पास एक द्वीप है, ये देश है अर्जेंटीना। दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा यहूदी अगर इजराइल के पास बात कहीं रहते हैं तो अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना के पास ये छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है फॉकलैंड। फॉकलैंड के नाम पर यहाँ एक ठंडी जलधारा भी है, फॉकलैंड की जलधारा। तो इस पर अधिकार है ब्रिटेन का। अब यहां से ब्रिटेन यहां पर कैसे अधिकार किया है, तो यहां पे इस आइलैंड पर उसका शुरू से कब्जा है। अब ब्रिटेन का तो यहां डिगो गार्सिया पर भी कब्जा है यहां पर, क्योंकि उसने भारत को आजाद किया, डिगो गार्सिया को नहीं किया। फ्रांस का यहां रियूनियन द्वीप पर अधिकार है। तो ऐसे बहुत सारे लोग पे सब बहुत कब्जा करके रखा है। तो 1982 में अर्जेंटीना ने क्या किया, इस पर युद्ध कर दिया और कहा कि यह मेरा होगा। तो अर्जेंटीना ने यहां पर सोचा कि इंग्लैंड को वहां से यहां आने में बहुत समय लगेगा, लेकिन गड़बड़ हो गया। इंग्लैंड की उस समय की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है, उन्होंने पूरी तरह से धो दिया यहां पर आके, और अर्जेंटीना को हार का सामना करना पड़ा। और तब से लेकर आज तक फॉकलैंड द्वीप पर इंग्लैंड का ही अधिकार है। हालांकि इसके बाद इंग्लैंड ने वहां रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह भी कराया था, और वहां के लोगों ने पूरी बहुमत के साथ कहा कि हम लोग इंग्लैंड के साथ ही रहेंगे। तो इसी द्वीप को लेकर अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में विवाद है। इंग्लैंड चाहता नहीं है कि अर्जेंटीना की आर्मी डेवलप हो, इसलिए वो कोई भी देश अगर अर्जेंटीना को हथियार बेचता है तो इंग्लैंड उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है, कहता है कि हमारे से रिश्ते खराब हो जाएंगे, इस टाइप के होने लगते हैं। तो अर्जेंटीना का एयरफोर्स और आर्मी बहुत कमजोर होती गई। तो आज भी इस फॉकलैंड द्वीप पर इंग्लैंड का अधिकार है। मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। हालांकि 1982 में युद्ध हुआ फॉकलैंड की, बहुत जल्दी इंग्लैंड इसको जीत गया। अब अर्जेंटीना जो है वो किसी देश से अगर टैंक खरीदने जाएगा तो इंग्लैंड उस पर कहता है कि अगर उसको बेचेंगे तो हमसे रिलेशन खराब होगा। इस वजह से अर्जेंटीना की एयरफोर्स बहुत ही कमजोर हो गई। तो उसको चाहिए था एयरफोर्स के लिए लड़ाकू जहाज। अब कोई देश तैयार नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एक दूसरे के एलाइज हैं, ये देने को तैयार नहीं थे। अब रसिया जो है वो इसको दे सकता है, बट इन लोग बहुत ज्यादा संख्या में खरीदेंगे भी नहीं। तो इसलिए इन्होंने पाकिस्तान से JF-17 खरीदने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान को अड़ंगा लगा दिया इंग्लैंड ने, क्योंकि पाकिस्तान ने जो JF-17 जहाज बनाया है उसमें जो इजेक्शन सीट लगी है, ये इजेक्शन सीट भी इंग्लैंड ही बनाता है। और दुनिया में 90% जितने जहाज हैं उसमें इजेक्शन सीट इंग्लैंड ही बनाता है। इस इजेक्शन सीट के नीचे रॉकेट लगे होते हैं, कभी भी इमरजेंसी में जहाज में पायलट को निकलना होता है तो इस इजेक्शन सीट के ऊपर ये हुक होता है। ये हुक जैसे ये रॉकेट ब्लास्ट करता है, नीचे से ऐसे हुक खींचेगा तो इस रॉकेट में ब्लास्ट होगा और ये ऊपर का शीशा तोड़ देता है, ये ऊपर जो शीशा लगा होता है उसको तोड़ देता है और तेजी से फेंकता है पायलट को, और पायलट ऊपर जाता है। इस इजेक्शन सीट के पीछे पैराशूट लगे होते हैं, सब चीज ऑटोमेटिक होता है, बस इजेक्शन सीट खुलेगा और पायलट ना आराम से बच जाता है। हजारों लोगों की जान इन्होंने इजेक्शन सीट से बचाई है। तो जो भी देश अगर इंग्लैंड अर्जेंटीना को
जहाज बेचता है तो इंग्लैंड की कंपनी कहती है कि भाई उस देश को बेचोगे तो हम इजेक्शन सीट ही नहीं देंगे। अब इसमें फंस गया पाकिस्तान के पास, तो चाइना कह रहा है कि हम अलग से इजेक्शन सीट बना देंगे, तो अर्जेंटीना कह रहा है सोच रहा है आप चाइना का इजेक्शन सीट लेंगे, अब तो आधा से ज्यादा फंस जाएगा, उसके पायलट की जान जा सकती है, अतः ये भी डील रद्द होता दिख रहा है। रही बात भारत की, तो भारत फ्रांस के साथ 24 सेकेंड हैंड भी नहीं है, फ्रांस की जो सेना है वायुसेना वो अपने बेड़े में से 24 ठो मिराज 2000 जहाजों को रिटायर करके अब हटा रही है स्क्रैप पार्ट में, तो भारत उसे खरीद रहा है। भारत अभी दुनिया में लगभग 600 मिराज जहाजें बनाई गई हैं, भारत इस मिराज जहाजों को खरीद रहा है क्योंकि भारत के पास भी मिराज जहाज पहले से थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज जहाज ही का ही प्रयोग किया गया था, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान का बलात्कार करके चला आया था यही मिराज जहाज ने, तो मिराज जहाज की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है खास करके पहाड़ी एरिया की लड़ाई में। लेकिन मिराज जहाज अब प्रोडक्शन लाइन में बंद हो चुका है, इसलिए इसके स्पेयर पार्ट कुछ पार्ट बिगड़ जाते हैं, तो ये 10 साल पहले इसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, तो बड़ा मुश्किल से मिलता है, इसलिए भारत बड़ी सस्ता दाम से 12 करोड़ में एक ठो यानी टोटल 24 जहाज को 300 करोड़ में खरीदा, जबकि राफेल को खरीदने में एक को जहाज 1600 करोड़ की आ रही है, और इसने हम लोगों ने 300 करोड़ रुपए में मामूली दाम में हम लोगों ने 24 ठो मिराज जहाज खरीद लिया। अब यह जहाज क्यों खरीदा गया, क्योंकि एयर चीफ मार्शल का कहना है कि यह जहाज अभी कंडीशन में है, इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और 2030 तक 30 से 35 तक इसे हम लोग आराम से खींच जाएंगे, लेकिन उस दौरान इसके पार्ट्स में कुछ घिसावट आती है, जैसे गाड़ियों में भी कुछ घिसावट वगैरह आती है तो नए पार्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो चूंकि कंपनी इस मॉडल को बनाना बंद कर दी है तो आने वाले समय में इसके पार्ट्स का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भारत ने होशियारी करके इन जहाजों को खरीद लिया और ये जहाज कंटेनर में भर के आएंगे, उड़ के नहीं आ पाएंगे, और इसको केवल रखा जाएगा स्पेयर पार्ट्स में। मान के चलिए किसी जहाज का लैंडिंग गियर खराब हो गया या ये टेल वगैरह खराब हो गया तो इसमें से पुराने में से चेंज करके लगाया जा सकता है, जैसे इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन स्पेयर पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं जहाजों में। अब जहाज जब कंपनी ने मॉडल बंद कर देती है तो उसके पार्ट्स मिलना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे अभी आप सोचिएगा नोकिया 1100 का कोई पार्ट्स ढूंढना नहीं मिलेगा क्योंकि वो बंद हो चुका है मॉडल। सैमसंग का नोकिया का जो पुराने मॉडल थे 3032 1680 सब जो मोबाइल चलते थे उस समय का जो स्क्रीन टच वाला, उसका अगर कोई पार्ट्स बिगड़ जाएगा अब नहीं मिल पाता है मुश्किल से, तो एक ही रास्ता है दूसरे मोबाइल में से निकाल के दुकानदार आपको लगा देता है, उस पहले से रहता है। इसलिए भारत 24 जो जहाज खरीद रहा है उड़ने के कंडीशन में नहीं है, केवल इसलिए खरीद रहा है कि उसके स्पेयर पार्ट्स लगाए जा सके, क्योंकि जब मॉडल नंबर बंद हो जाता है तो बड़ा मुश्किल से वो चीज मिलता है। आपको एग्जांपल पे समझाते हैं, हमारे यहाँ राजदूत गाड़ी बहुत पहले गांव में ये चली थी, इसका मॉडल बंद हो गया, अभी इसका कोई पार्ट्स खोजना है नया पार्ट्स कंपनी बना ही नहीं रही है, तो एक ही रास्ता है कि पुराने गाड़ी में से अगर वो पार्ट ठीक ठाक है तो लगा दीजिए। एम्बेसडर कार, ये कार भी अब मॉडल बनना बंद हो गया इसका, अब इसके कुछ पार्ट्स बिगड़ गए तो अब आपको थोड़ी ना मिलने वाले हैं, तब आपको एक ही रास्ता है दूसरी गाड़ी में देखिए कि वो वाला पार्ट अगर सही सलामत है तो लगा दीजिए। हम लोग के साथ यही समस्या होने वाला है। भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक एयरलिफ्टर जो था C-17 ग्लोब मास्टर, हम लोगों ने इसे 15 से भी ज्यादा संख्या में खरीदा अमेरिका से, बहुत बेहतरीन जहाज है, लेकिन गलती क्या हो गई कि 2015 में बोइंग ने इस मॉडल को बनाना बंद कर दिया। अब देखिए 2015 में इसको जब बंद किया गया तो अभी तो इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि दुनिया में बहुत देशों के पास ये जहाज अवेलेबल, लेकिन इन जहाजों की लाइफ काफी लंबी होती है, 50 साल 60 साल ये लोग चलते हैं, तो आप सोचिए अभी 2015 में बंद हुआ है लेकिन 2050 में अगर इस जहाज की हमको कोई पार्ट्स की जरूरत पड़ी, सपोज कि इसका साइड का ये विलनेट उड़ गया हो या फिर एक इंजन में प्रॉब्लम आ गया, कोई एक पार्ट्स बिगड़ जाए, तो आने वाले 50 साल में कंपनी थोड़ी ना उतना बना के बची रहेगी। बोइंग तो कह दी कि भाई मॉडल ही बंद हो गया, अब बड़ी मुश्किल से मिलेगा, या फिर 2 महीना वेट कीजिएगा तो 2 महीना इसको ग्राउंड करके रखिए, तो वही कंडीशन। तो भारत आगे भी यही करेगा, क्या करेगा कि अगर कोई देश अपना C-17 को अगर रिटायर करेगा तो भारत उसको कबाड़ के तौर पे खरीद लेगा कि इसमें से निकाल के उसमें कस देंगे। इसी को कहा जाता है देसी जुगाड़, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम लोग हमेशा से देसी जुगाड़ करते हैं। हमारे यहां भी कोई चीज बच जाता है तो आदमी कबाड़ में रख देता है, अरे कोनो दूसर चीज में आदमी लगा देगा वहां। जिस तरह ये कंपनी अपना मॉडल नंबर बंद कर देती है पुराना समझ के, उसी तरह भारत में एसएससी और रेलवे एग्जाम का फॉर्म निकाल देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उसके बाद एग्जाम डेट निकालने के टाइम पे ये मॉडल नंबर की तरह एग्जाम डेट बदल देते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स को टीचर को कैंपेन चलानी पड़ती है। अब कल ग्रुप डी के एग्जाम के लिए कैंपेन चलेगा, अब ट्विटर पे ये पहला देश बनते जा रहा है, डिजिटल इंडिया का यही फायदा है, #रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट। अब भाई एग्जाम डेट मतलब एनटीपीसी का लड़के एग्जाम डेट लिया गया,
अब उसके एनटीपीसी का तो हो गया, अब ग्रुप डी का लिया जाएगा, बहुत जल्दी ग्रुप डी का भी हो जाएगा। हालांकि देखिए हम लोग ये जो 27 तारीख का डेट डिसाइड कर दिया गया ये अचानक डिसाइड हुआ है, लेकिन फिर भी जब आप स्टूडेंट रहेंगे तो हम टीचर लोग को तो इंडिया के सारे टीचर्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हाँ फिर भी एक चीज ध्यान से रखिए कि डेट डिसाइड करने से पहले ग्रुपिंग बना लीजिए लोग सारे लोग मिलकर कि हम लोग को इस दिन कैंपेन करना है। ऐसा नहीं कि हाँ इस दिन कैंपेन करना है, आप भी साथ दीजिए आप भी साथ दीजिए, इस तरह से नहीं होता है। रीजन क्या देखिए, अभी मोदी जी विदेश से जस्ट आए हैं, अब कल पूरी मीडिया चर्चा करेगी मोदी जी इस रंग का कपड़ा पहने थे, ऐसे रंग का कंबल ओढ़े थे, ऐसे छाता लगाए थे, ऐसे तीन बार नीचे उतरे हैं, चाय पिए हैं, बिस्कुट खाए हैं, सोने गए हैं, रजाई ओढ़े, इसी समय मीडिया इस चीज को निकाल दे। इसलिए हम लोग को डेट डिसाइड करना, तो 27 तारीख को तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, साथ ही 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, तो उस दिन भी हम लोग अगर इसको करेंगे तो गवर्नमेंट का ज्यादा ध्यान जाएगा वहां पर। तो कोशिश करना चाहिए कि पहले प्लानिंग करें कि हाँ इस दिन करना है, ना कि प्लानिंग करने के बाद सोचे कि सब लोग आए। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी संख्या ही है आजकल पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, सारे लोग इस ट्विटर कैंपेन को सक्सेस बनाएंगे, और अगर सरकार सुन लेती है 27 तारीख को तो बढ़िया है, नहीं तो 2 अक्टूबर को हम लोग फिर करेंगे, इसको छोड़ना तो नहीं है। और वैसे भी आप लोग भी समझते हैं इस चीज को, इस साल के लास्ट तक अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक में तो सरकार को एग्जाम लेना ही पड़ेगा, और आप लोग भी पढ़ाई मन से कीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत से लड़के हमारे पास आए थे, वो कहते कि सर हम लोग क्या करें, कि यहां होपलेस हो गए थे लोग कि एग्जाम लेगा कि नहीं, और अचानक डेट दिया तो तैयारी भी नहीं थी। आपको कैंपेन भी करना है, आपको ट्वीट भी करना है, हम सब लोग ट्वीट करेंगे, लेकिन बाबू पढ़ाई भी साथ साथ करना है। कैंपेन में आप नहीं आपको कि वो 1857 की क्रांति करना है, आपको मोबाइल से डिजिटल इंडिया है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी कंप्लीट रखिएगा। पता नहीं क्यों कि अगर मान के चलिए ये मौका हाथ से निकला तो फिर रेलवे जानते ही है, फिर अटका देगी 5-7 साल, इसलिए इस मौके को भी जाने नहीं देना है। इसको रिवाइज भी अच्छे से करते रहिएगा, एप्लीकेशन पे भी आप लोग को पूरा साइंस के रिवीजन के लिए वहां पे भी व्यवस्था किया गया, पूरा साइंस A to Z आप वहां पे भी एप्लीकेशन पे भी रिवाइज कर सकते हैं। क्लासेज नहीं छोड़ेंगे आप लोग, जहां भी पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहिएगा, कैंपेन तो करना ही पड़ेगा। अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये रेलवे के सिलेबस का एक हिस्सा हो गया है इंडिया में, अब सारे टीचर को ये भी सिखाना पड़ेगा कि भैया देखो तुम सारा सिलेबस खत्म कर लोगे उसके बाद तुमको एक तो ट्विटर चलाना भी सीखना पड़ेगा, ये गलत बात। चलिए हम लोग इसको सफल बनाएंगे, आई होप आप इसे समझे होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।